सब जो है हरे हरे खेत हैं जिसमें पीले पीले बाली लगे हैं, बाली कहना चाहिए या फिर ऊपर का जो पत्ता है धान का वो पीले पीले लग रहे हैं। इधर भी वैसे है, वैसे बहुत सारे हरे हरे लग रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा पीला लग रहा है। और अपना मेड़ के बीच में पीले पीले एक लग रहे हैं, वो है अपना ओम। तो हम लोग आए हैं खेत में, आप देख सकते हैं यहाँ, और ओम के साथ हम लोग देखने वाले हैं इस खेत का जहाँ पे मछली पकड़ते हैं वो वाला जगह। जी हाँ, अभी जो है हमारे खेत के जो धान है थोड़ा से बड़े हो गए हैं, अभी इसको काटने के लायक हो गए हैं, मतलब कुछ टाइम बाद इसको काट लेंगे। अभी ये मतलब विकसित हो चुके हैं, मतलब धान का जो बीज है वो हो गया है लगभग, अभी ये विकसित होगा, सूखने के बाद इसको काट लेंगे। तो ऐसा है हमारा खेत, आज हम लोग लगभग नवरात्रि के बाद यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो हरे हरे खेत हरे खरे खेत, हरे भरे खेत में लंबी लंबी बाली, हरे भरे खेत में लंबी लंबी बाली, चारों तरफ करते हैं किसान खेतों की रखवाली। नमस्कार, एस माझी यूट्यूब चैनल के और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज 2-3 बज रहे हैं और अभी खेत में आए हैं और अभी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाएंगे, आज भी वहाँ दशहरा है। वैसे मेरा मतलब पारा का एक भाई है, वो ना ही वहाँ दशहरा करके उसके साथ जाऊँगा, तो देखती है क्या होता है। तो बन रहे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम जो है हमारे खेत का जो मेड़ है, उस समय हम लोग वहाँ पे जाके देखे थे, अभी ओम हम लोग इधर से मतलब आ रहे हैं और वो आते आते वहाँ पे चला गया और मेरे को बुला रहा है, बोल रहा है कि पापा आ जाओ आ जाओ, कितना पानी है, क्या है, कैसे है। तो देखते हैं फिलहाल जाके, क्या देख रहे हो बाबा? हमारे बाबा जी यहाँ पे मछली देख रहे हैं। ए बेटा, मछली के साथ साथ उसके दुश्मन भी रहते हैं। मछली का दुश्मन कौन है? मछली का दुश्मन आदमी लोग भी हैं, तब तो खाते हैं तो दुश्मन हुआ ना, है कि नहीं? लेकिन आदमी से ज्यादा खतरा किससे है बताऊं? डेरू सांप से है, ढोड़िया सांप से है। क्या हुआ, जैसे हम मछली फंसाते हैं ना, तो वो चोरिया में उन लोग भी मछली को खाने के लिए वहां पे रहते हैं, और जब मछली आ जाता है तो उसको घप ले पकड़ देते हैं। अरे अरे, मैं मछली थोड़े हूँ यार, अरे मैं मछली थोड़े हूँ, सुन सुन सुन, ओम चुपचाप है, उसको लग रहा है कि मैं झूठ बोला था करके, तो वो जो है कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन मैं बेटा, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकती हैं, आप देख सकती हैं, धान जो है मेरे छाती भर है और ये 1001 धान है, है कि नहीं? ओम बड़ा गड़ रहा है यार, ठीक से बैठना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, अरे गिरेंगे गिरोगे यार, यहाँ पे लफड़ा मत करो, नीचे पानी है धान के ऊपर। ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ठीक से ठीक से बैठा रे यार। इधर मेरे एम एक चिड़िया का एक अंडा दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, ये किसी मकड़ी का अंडा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत सारे मकड़ी है एक साथ, हजारों की संख्या में वहां पे है, मैं कुछ लेके आया हूँ यहाँ पे, ये बड़े हो जाते हैं, हमेशा मजाक नहीं करते यार, आंख में आंख में धान का पत्ता गड़ जाएगा। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, गिरोगे बेटा। आइए, हमारे छायाकार को मैं दिखाना चाहूंगा एक चीज, आप देख सकते हैं ये धान के बाली के ऊपर में ये चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाए हुए है, मस्त किस प्रकार से कारीगरी किया गया है, आप देख सकते हैं ये मतलब कितना धान है बेटा, 1 2 3 4 चार धान है, धान के बाली के ऊपर में घोंसला बनाया है,
किस प्रकार से वो उड़ते हुए इसके ऊपर आया होगा, उड़ के जो है किस प्रकार से घोंसला बनाया होगा और किस प्रकार से वो इसमें बैठता है और किस प्रकार एक एक बाली को पकड़ बनाया होगा, मतलब बांधा होगा उसके घोंसले से, देखने से बड़ा विचित्र लगता है। सोचो बेटा, वो जो इतना बड़ा सुई का चिड़ई है, सुई चिड़ई देखे हो ना जो उड़ते रहता है इतना बड़ा, वो चिड़िया किस प्रकार आया होगा सोचो। हम इसके ऊपर बैठना तो दूर, किस प्रकार से बनाया है उसको सोचने के लिए हम लोगों को कैसे लग रहा है, वो किस प्रकार से आया होगा इसको ऊपर में अपने आप, मतलब ऊपर में ऐसे क्या होगा और अपने चोंच से जो है इतना सारा को लाके वो बनाया होगा। नीचे तरफ से देखो पूरा झूल रहा है, हैं? झूल के उसमें किस प्रकार एक एक पत्ता को इस प्रकार के से सील के बनाया है, इतना मेहनत एक चिड़िया का कारीगरी। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मनुष्य ही बड़े दिमागदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लगता है एक छोटा सा चिड़िया का कारीगरी को देख के बड़ा विचित्र लगता है कि एक पत्ते, मतलब चार धान के पत्तों से, पत्तों के ऊपर में वो किस प्रकार से ऐसे सीला होगा, सील के उस घोंसला को बनाया होगा, गजब। को इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, चिड़िया को मारना नहीं है, ये चिड़िये लोग यहाँ रहते हैं, मस्त हरे भरे वादी में घूम रहे हैं, ची 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 करता है तो मस्त लगता है कि नहीं, मस्त लगता है, मस्त लगता है, मस्त लगता है। तो जो चीज मस्त लगता है उसको क्यों बर्बाद करेंगे, है कि नहीं, बर्बाद नहीं करने का है, इसीलिए इसको अच्छा से बढ़ो, अच्छा से रहो। हम आपको मिलते हैं, नहीं भी मिलेंगे तो टाटा कर दो बेटा इसको जोर से, मुंह में आवाज भी आना चाहिए। चलो मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहूंगा, कितने अंडे हैं, आप आज दशहरा है, मैं दशहरा देखने के लिए जा रहा हूँ ग्राम लाटापारा। लाटापारा में दशहरा हो रहा है और इस दशहरे में भी आसपास के गांव से देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा और बड़े धूमधाम के साथ दशहरा मनाए जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे रोड में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ भीड़ हो सकता है। तो खैर चलते हैं वहाँ और देखते हैं क्या होता है। हम लोग आए हैं लाटापारा, देवघर से आते आते हम लोग को शाम हो गया, वैसे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, वहाँ माताओं का दर्शन किए, उसके बाद इधर आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है बुढ़ियान का गुड़ी है, इसके बाद जाने वाले हैं घर। और मतलब मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे को इसका लोकेशन का पता नहीं था, तो यहाँ पे आने के बाद ही पता चला। फिलहाल आप देख सकते हैं ये गुड़ी, और उधर बाजा गई है इसीलिए इतना आवाज़ नहीं आ रहा है और यहाँ पे शांत लग रहा है। उस समय मैं जब आया था तो बहुत आवाज़ आ रहा था, तो ऐसा कुछ है नज़ारा।
हैं।